अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर नजर आएगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच आदि बद्री डैम बनाए जाने को लेकर हुआ MOU। एक औपचारिक हस्ताक्षर दोनों मुख्य सचिव महोदय ऊपर के मंच पे, दोनों यशस्वी मुख्यमंत्री उनकी रहनुमाई में, उनकी उपस्थिति में दोनों मुख्य सचिव महोदय हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक पल है। आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन पलों के आप करतल ध्वनि से गवाह बन रहे हैं। दोनों प्रदेशों के लिए बड़ी बात है, हमारे लिए महत्वपूर्ण पल हैं। निश्चित रूप से सरस्वती को कभी अन्नपूर्णा कहा है, कभी जननी कहा है, वेदों में बहुत बड़ा स्थान है, ऋषियों की मुनियों की यज्ञ भूमि रही है, तप भूमि रही है। एक बार फिर जोरदार करतल ध्वनि आपकी। गवाहों की मौजूदगी में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह लगातार हो रहा है, दोनों मुख्य सचिव महोदय हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक समझौता ज्ञापन है, सहमति ज्ञापन है दोनों प्रदेशों की सरकार के बीच, दोनों प्रदेशों के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, श्रीमान जयराम ठाकुर जी की उपस्थिति में। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी एक बड़ा अधिकारियों का डेलीगेट उनके साथ यहाँ पहुँचा है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से काम कर रहे थे, उन सब का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब गवाह साइन कर रहे हैं, गवाह हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक नियम है जिसके तहत ये समझौता दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच हो रहा है। दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव आज के गेस्ट हैं जयराम ठाकुर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे उनके साथ समझौता ज्ञापन में, साथ में कला एवं संस्कृति मंत्री हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋग्वेद में इसे तिविर वेगानी समुद्र गामिनी नदियों की माता कहा गया है। इसके किनारों पर हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। आज हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के विकास परियोजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश के मध्य आदि बद्री बांध निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में हम पहुंचे हैं। मैं समझता हूं आज ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, एक बहुत ही पवित्र कार्य की शुरुआत हो रही है। आदरणीय कंवरपाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरस्वती नदी का जिक्र वेदों में भी, वेदों के साथ साथ में इतिहास में भी होने के बावजूद वो नदी जमीन पर नहीं दिखी, इसकी कई वजह रही होंगी, लेकिन आज भी सरस्वती नदी जो है वो उसका महत्व और उस महत्व के साथ साथ में जब भी हम किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, तो उसमें अगर हमारे नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात कहूं मैं, उसमें तीन नदियों का जिक्र सदैव होता है, गंगा यमुना सरस्वती। और इस बात को लेकर के आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहां पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके
उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहां पर एक कोट है, उन्होंने कहा था कि हरियाणा का किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई है। देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के लिए तरस रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को आपके हरियाणा के ही यहां पर कुरुक्षेत्र में आकर के अपनी बात कही थी। और उसमें आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जिक्र किया था, 2018 में प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन का जब उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने सरस्वती का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो सरस्वती के अस्तित्व को नकारते थे, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी नया रास्ता दिखा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी इस बात को लेकर के ये सरस्वती का अस्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में, जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सरस्वती नदी, उसका कोई अंडरकरंट है आदि बद्री, और यहाँ पहाड़ों से पीछे से नदी कभी रही होगी हजारों साल पहले, वहाँ पहाड़ों का विघटन हुआ, टाइटैनिक ऐसे परिवर्तन आते हैं पहाड़ों में। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया, और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहाँ है, वहाँ भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहाँ भी सरस्वती निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता ये बनी कि दोनों नदियाँ और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी है दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जहाँ मिलती है वहाँ थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहाँ दिखाई देता तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है, पानी है। कुल मिलाकर ये किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, मान्यताएँ हैं। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज को खोज के ले आता है, अंडरकरंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडरकरंट है और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है।
क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के मान्यता और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा आम समाज में, मुस्तफाबाद नाम का कस्बा यमुनानगर में थाना छप्पर के पास है, तो मैं लगातार सब जगह जाता था, तो वहाँ मैं जब गया तो एक तालाब में, तालाब है कोई बहुत साफ नहीं था उस समय, वहाँ महिलाएं जाती हैं, साफ पानी नहीं भी है तो भी आचमन करती हैं। मैंने पूछा कि क्यों इस पवित्र, इसका भाव क्यों बना हुआ, इसके प्रति श्रद्धा क्यों है। कहने लगे इसका नाम सरस्वती तालाब है और ये सरस्वती नदी का हिस्सा है। और एक नई बात जुड़ गई। फिर पेहवा में पता लगा कि वहां भी जहां पितृदान करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां जिस सरोवर में पिंड का दान किया जाता है कि वो सरस्वती का पार्ट है। हम जाएं पिपली, तो पिपली में जू जहां है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बहुत पुराना उस समय से लगा हुआ है, सरस्वती। अब लिखा हुआ तो नाला था वहां, सरस्वती नाला, क्योंकि पानी कम है तो नाला ही बन गया वो। तो ऐसा ही लोक के दंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहां कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें, उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो यही लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है मुख्य रूप से, तो आदि बदरी दो खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक है जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती है और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए, तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए।